नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल के थ्रू एक और नई अपडेट। अपडेट थोड़ी डराने वाली है। अपडेट क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड एज परसेंटेज डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर इन 3B वेरीज मोर देन 10% दैट डिक्लेयर इन GSTR 1। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपका 3B जो कि सेल और परचेस का डिटेल लेता है और आपका GSTR 1 जो कि सिर्फ सेल का डिटेल लेता है, अगर इसमें डिफरेंस 10% से ज़्यादा है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। जी हाँ। और दूसरा ऑप्शन जो आया है वो है ITC जो 3B में अपन ले रहे हैं, अगर वो 10% से ज़्यादा अपन 2B के बेसिस पे ले तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब आपका बुक्स में जो भी ITC आप 3B में क्लेम कर रहे हो और 2B में वो ITC नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके जो सप्लायर है उन लोगों ने वो रिटर्न टाइमली नहीं भरा, उस वजह से वो आपके 2B में नहीं दिख रहा है। आपकी परचेस की डिटेल पोर्टल पे 2B में नज़र नहीं आ रही है। तो अगर ये डिफरेंस 10% से ज़्यादा है तो भी आपका नंबर सस्पेंड हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। ये रेड अलर्ट आ गया है तो इसको सीरियसली लीजिए। धन्यवाद।